मैं बस ये कहना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि सबको अपने अपने प्रतिक्रिया रखने का, अपने विचार रखने का, अपना ओपिनियन रखने का हक है, बिल्कुल है। जैसा जैसा मेरा हक है वैसा दूसरों का भी हक है। तो मैंने एक बात रखी, मुझे जो लगा वो मैंने कहा। मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही एक काफ़ी पोलाइट तरीके से रखा, काफ़ी आदरणीय तरीके से रखा है मैंने। और मेरे मन में कोई ऐसा ऐसी बुरी मंशा नहीं थी, कोई मैल इंटेंट जिसे कहते हैं, या कोई विशेष इंटेंट नहीं था। मेरे मन में सवाल थे जो मुझे लगता है बहुत ही जायज़ सवाल हैं, और वो मैंने पूछा। और अगर लोगों को मुझसे अगर वो मुझसे मतलब अग्री नहीं करते हैं, वो बिल्कुल ठीक है, ये एक लोकतंत्र है कम से कम अभी तक। तो आई थिंक दैट अच्छी बात है कि लोग ऐसा फील करते हैं कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, एंड आई थिंक डिबेट होना चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए, आर्ट का मकसद ही वो है। सो आई थिंक इट्स फाइन। इसमें इतना मतलब आई डोंट नो आप सब इतने एक्साइटेड क्यों हो गए हो। मुझे नहीं लगा था कि इतना विवाद नहीं, मुझे नहीं लगा था कि इतना बवाल हो जाएगा, और मुझे नहीं लगा था कि इतने सारे लोग जो कि फिल्म से कनेक्टेड नहीं है किसी भी तरीके से, वो इतने नाराज़ हो जाएंगे। और मुझे ये भी नहीं पता था कि एक खास शब्द जो वी से शुरू होता है, यहाँ बहुत सारे फैमिली चैनल हैं तो शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए वो वर्ड, वो इंग्लिश में वी से शुरू होता है, हिंदी में वाई य से शुरू होता है, वो महज वो बोलने से इतना बवाल हो जाएगा।